राज्यसभा में सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच सदन में एक बार फिर तीखी टिप्पणियां और बयानबाजी हुई। सभापति जगदीप धनखड़ के अमिताभ बच्चन कहने पर एक बार फिर जया बच्चन भड़क उठी और सदन में तनकर उन्होंने धनखड़ को जवाब दिया। जया जी, यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no shit given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. जया अमिताभ बच्चन, ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। इस पूरी खबर पे आपको बता दें कि राज्यसभा में जब से बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है और तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, बयानबाजी और तीखी टिप्पणियां इतनी हो रही हैं कि हर सेशन में आप देखेंगे जया बच्चन सभापति के सामने लड़ रही हैं और उधर से भी बयानबाजी टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन अब देखने वाला ये है कि अमिताभ बच्चन कहने पर एक बार फिर जया बच्चन भड़क उठी और सदन में तनकर उन्होंने फिर से धनखड़ को जवाब दिया। इस पर जाहिर सी बात है, सियासत भी होनी है और सियासत तो लाजमी इसलिए भी है क्योंकि अभी पूरा सत्र चल रहा था। अब हालांकि अब सत्र रुक गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि जब से जया बच्चन जी वहां पर गई हैं, जब से सदन में शुरू हुआ है, तब से ही आप देख रहे हैं बवाल इन्हीं लोगों के बीच का है। पूरी खबरों में, पूरे मीडिया में, हर जगह सदन में जो कार्रवाई से ज़्यादा सवाल इस पर होते हैं कि और उनके बीच क्या चल रहा है। और इसी खबर पर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, धर्मेंद्र जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जया बच्चन जी और इनके बीच में, धनखड़ जी के बीच में इतनी बहस क्यों हो रही है? जब से कार्यवाही शुरू हुई है सदन में, जब से इनकी बहस ही मीडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। जया बच्चन जी काफी वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कभी इस तरह की बातें चेयर के साथ नहीं हुई। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जगदीप धनखड़ जी लगातार एक अपने सदन के माननीय सदस्य को क्यों इस तरह से व्यंगात्मक शैली में संबोधित करते हैं, सवाल इस पर उठता है। और स्वाभाविक सी बात है, जो सदन है उस संविधान से, संवैधानिक परंपराओं से चलता है। अब नियम कानून संविधान संवैधानिक परंपराओं से परे हट करके यदि कोई बात, आपको जया बच्चन जी कह रही हैं उनको कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भाई वहां पर वो बैठे हैं, बोलने के लिए बैठे हैं, उनको टोकने के लिए बैठे हैं। अगर यही चीज लोकसभा में हुई होती तो ओम बिरला जी उससे और तीखी टिप्पणी करते। नहीं, सवाल टिप्पणी का नहीं है, सवाल आप व्यक्तिगत किसी एक सदस्य को लेकर के अगर लगातार एक तरह से चिढ़ाने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है। मुझे लग रहा है कि वहां उनकी तरफ से ज्यादा हो रहा है, वो देख रहा है, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल दोनों तरफ से होंगे। आप जब भी देखें आदरणीय जया बच्चन जी को, जब भी बुलाते हैं आदरणीय सभापति महोदय, उनको उनको ऐसी टोन में बोलते हैं कि कभी कभी, इसके पहले एक दो बार हंसी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराया और मामले को खत्म किया, बातचीत आपत्ति दर्ज कराया जो है मुस्कुराते हुए, लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर इस तरह से बात करते हैं तो कभी न कभी स्वाभाविक सी बात है उस पर प्रतिक्रिया आनी ही है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम संविधान, जिनका नाम उनके घोषणा में, उनके नाम के आगे जो निर्वाचन का नाम आया सदन में आया है, बड़े नाम है। आप अमित शाह जी को ले लीजिए, अमित अनिल भाई शाह नाम है।
लेकिन शायद ही कभी उनका शुरुआत तो इस्लाम जया से जी हुआ नहीं हो। की थी, शुरुआत तो उन्होंने ही की थी, अब ये उसी का ही पूरा कड़ी जोड़ती जा रही है और आगे बढ़ता जा रहा है। पूरी जो लड़ाई है, टिप्पणियां हैं, बहसबाजी है, सिर्फ उन्होंने शुरुआत की थी, अब लग रहा है अंत ये करेंगे। भाई देखिए, सभापति जी का काम होता है पक्ष विपक्ष के लोगों को बिल्कुल लेकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत नियमों। अब यदि सभापति महोदय इस पर नहीं चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी अपनी मानते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तारी नहीं तो अलग बात है, नहीं तो इस तरह की चीजों से उनको बचना चाहिए। और सदन जिस लिए है, जो जनता के बुनियादी सवालों के लिए है सदन है, उनकी बातें वहां आ जाए, एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो हमको चाहिए कि सभापति महोदय को उस पर सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना कि किसी के व्यक्तिगत नाम में क्या रखा है। सिंपली भी आप माननीय सदस्य जय बच्चन जी कह सकते थे, जो लगातार कई बार से इस पर चूंकि बात प्रतिवाद हो चुका था, तो हमको जो लगता है, एक आम आदमी को लगता है कि माननीय सभापति महोदय को इस तरह के शब्दों के चयन से बचना चाहिए, जो किसी को लगता हो कि आप टोन की तरह बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े, उन्होंने बताया कि तमाम सवाल और जवाब जो चल रहे हैं, उनको अपनी सीमा भी इतनी क्रॉस नहीं करनी चाहिए स्पीकर को, क्योंकि उनका जो काम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना, सिर्फ ये पर्सनल नहीं होना। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो के फाइनल में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये मुकाबला स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की। उन्होंने नीरज को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई भी दी और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके अलावा नीरज चोपड़ा से उनकी इंजरी के बारे में भी जाना। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी थी। बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर भारत की झोली में चौथा मेडल डाला। नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। हेलो, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी, और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था, और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। अच्छा,